ये देखें ये इंसान। And one of those brands is Park Wheels. तो मेरे कपड़े देखने मेरी हालत देखने चाहे कि नहीं वो भी पड़ा हुआ मुझे तो पाकी पड़ता है। सुनील सरफराज खान साहब आप मुसलमान हैं? Drop it. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आपको बैकग्राउंड देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है रमज़ान के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको रमज़ान मुबारक और आपको दिखाऊंगा क्या रमज़ान के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी के हालात किस तरह के होते हैं। तो अभी मेरी क्लास भी है और मौसम भी बहुत मज़े का है आज, और अभी चल के क्लास लेंगे, देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या सीन चल रही है। अभी आज भी मेरी क्लास नीचे लैब के अंदर है और आज हमारे कंजेक्टिव तीन क्लासेस हैं रमज़ान के अंदर, और टाइमिंग इन्होंने सुबह 8 बजे की कर दी है। ऐसे फील आ रही है जैसे हम स्कूल जा रहे हैं यार, कोई खुदा का खौफ करो, लेकिन अभी फिलहाल क्लास है तो चल के क्लास लेते हैं। A few moments later. और इधर आपके भाई ने वेबसाइट बनाई है, देखो हम भाई वेबसाइट वगैरह भी बनाते हैं। और उधर देखो जिंदगी से आवाज़ दार इंसान वो बैठा है। और मोहम्मद इशाक आते प्रेजेंट, मोहम्मद सलमान प्रेजेंट, मोहम्मद शाह। ये अटेंडेंस हो रही है अभी हमारी और उसके बाद हमें ब्रेक मिलेगी। हमारी क्लास हो चुकी है ख़त्म, अब नेक्स्ट क्लास में हमारा क्यूज है और लेकिन अभी 10 मिनट की ब्रेक है तो 10 मिनट के लिए बाहर चलेंगे, देन उसके बाद हम अगली क्लास में जाएंगे। ये हमारे यहाँ से लोग था लेकिन हम नीचे जा रहे हैं, इन्होंने ताला खोला है, इस बेशर्म इंसान ने नीचे से भी लॉक ओपन किए। नीचे है क्या वैसे, अमर हम कभी नीचे आए नहीं है। ये क्या है और नीचे ये क्या क्या है, वाह ये मास्टर्स की हैं, मैं इसके स्टूडेंट की क्लासेस है, मास्टर यहाँ पे होती हैं और वो मेरा स्टूडियो ये भी एक बना है। चल 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 चलो, ये क्या ओए होए ये है क्या, ये तो हमें पता ही नहीं था। इधर ये भी है, नहीं उधर भी है, हमारे डिपार्टमेंट के नीचे डॉग कंटेंट दे दिए भी था। क्या बात है तुम्हारी, वैसे ये सारा बंद था, ताले लगे हुए थे और इस भाई ने ताले तोड़ के हमें लेके आया। देखा अपने लापरवाही का नतीजा, देखो हम लोग अब यहाँ पे बैठ गए हैं और मौसम बहुत मज़े का है, किसी वक्त भी बारिश आ सकती है, लेकिन अभी 5 मिनट की ब्रेक है, कितनी देर की ब्रेक है, 5 मिनट की ऑलमोस्ट 5 मिनट। वैसे ना हम तुमसे भी तंग आ गए हैं। A few moments later. अलबाब तुम्हारा काम पता है क्या है, आगे तुम बैठ रही हो, जो भी होगा ना तुमने बस बता देना कि क्या तुम लोग हो ना, तुम लोग के सहारे आजो आजो, चलो चलो चलो। देखो हम बैठ चुके हैं और ये टॉपर जो बच्चे होते हैं ना इसको हम सेंटर में बिठाते हैं, ये पीछे और ये टॉपर है। One hour later. So finally हो गया मेरा भी, ये देखें ये अभी तक कर रहे हैं। कैसा हुआ अलबाब तुम्हारा पेपर? अच्छा तुम्हारा कैसा हुआ लाइशा, तूने तो सारा मोबाइल से किया था ना? नहीं मैंने खुद किया सारा, बहुत अच्छा। ओके चले अब नमाज पढ़ने आ जाओ, अभी हम दोनों जा रहे हैं नमाज पढ़ने। और मौसम बहुत अच्छे आज, माशाल्लाह माशाल्लाह दिखाओ आसमान। ये देखो यार वाकई हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो बस अभी नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद मैं हूँ फ्री लेकिन इनकी है क्लास, क्लास पार्क सिटी, तो मैं शायद यूनिवर्सिटी रुकूं आप लोगों के साथ। सो फाइनली हम लोगों ने नमाज पढ़ ली है लाइब्रेरी के अंदर, तो अब हम जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ, तो आज चल के देखते हैं। इसकी तो क्लास है, मेरी क्लास नहीं है। और हाँ आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जो कि नेक्स्ट लोग आने वाला है वो बहुत मज़े का होगा क्योंकि वो हम दे रहे हैं सरप्राइज, सरप्राइज बर्थडे कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बस आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ वो सरप्राइज बर्थडे हो रही है, इसकी हो रही है, वो आपको व्लॉग में पता चलेगा। नेक्स्ट व्लॉग बहुत मज़े का, मैं मिस नहीं कर रहा। अच्छा A few moments later. और अभी हम जा रहे हैं BBA डिपार्टमेंट के ऑडिटोरियम में, वहाँ दिखाते हैं कौन आया हुआ है। और ये देखो अभी ये जा रही है मेरे से सिर्फ, और बाकी जो दो तीन थे वो क्लास लेने चले गए हैं। हमारा ऑलरेडी सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है, मैंने भी क्लियर कर लिया है, इसने भी कर लिया है, और तीसरा जो हमारा अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला वो आज आया नहीं है, उसका भी क्लियर है। और हम दोनों वेले थे, हमने कहा चलो ऑडिटोरियम में एक इवेंट हो रहा है वहाँ पर चल के आप दिखाते हैं। ये देखें ये इंसान आया हुआ है ऑडिटोरियम के अंदर,
एसपी ऑडिटोरियम सुनील मंच, आ जाओ आ जाओ। और ये आप चल के छत नीचे एसपी का जो ऑडिटोरियम है वो ये है, ये देखो। A few moments later. Brand we have really made it in Pakistan. Whenever you think about Pakistan, there are few brands that come to your mind, and one of those brands is Park Wheels. Whenever we need to buy a car, sell a car, so we wanted him to be here and talk to our youth today and maybe learn a lot of lessons from his experiences that he has had. So first of all, I'd like to officially welcome Mr. Sunil sir. Thank you so much for our lecture. और एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती कि जो लोगों के अंदर एक होता है, ये भी आप कह रहे थे कि रूटीन है वो, तो रोजा रख के तो हमने किसी पे एहसान नहीं करना, ना अल्लाह में पे करना, किसी करना है अपने लिए करना है। जल्दी उठने से हमने बात की जो एक आई थिंक आपसे अटैच है, जो हम रोज अपने ब्लॉग्स में प्रोमोट करते हैं कि उठने के बाद जो कुछ आवर्स आपके होते हैं वो आप स्पेंड कर रहे हो अपनी गाड़ी को धोने में करने में, तो रमजान में वही आपका स्केड्यूल हो रहा होता है। यार अर्ली राइजर होने का फायदा ये होता है कि आप सुबह उठ जाते हैं जल्दी, तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड, यू कैन डू योर से कहते हैं ना आपका मेंटल वर्क जो है सारा उस टाइम करते हैं, बिकॉज इन इज यूजुअली अ वर्किंग डे। दोपहर लंच के बाद तो कभी कोई मीटिंग आ गई, किससे मिलने चले गए, एंड आई ऑलवेज से मीटिंग इज अ प्लेस टू लूज आवर एंड गेट मिनट्स ओनली, उससे कोई फायदा नहीं होता, आपका टाइम ज़्यादा होता है खाली। तो जो आपने प्रोडक्टिव टाइम है वो जितना जल्दी उठेंगे वो होता है। मेरे केस में जब मैं अपनी गाड़ियाँ साफ कर रहा था, मैं अपना दिमाग चला रहा था कि मैंने क्या क्या करना है क्या नहीं करना। इस सब एक माइंडसेट के बाद जब आपसे कोई पूछता है कि सुनील सरफराज मंच साहब आप मुसलमान हैं, तो कैसा महसूस होगा आपको? अच्छा, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे यहाँ पे। मैं सब हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों को कि अगर आपने टोपी पहनी है और आपने दाढ़ी रखी है तो आप मुसलमान ज़्यादा हैं, अगर एक बंदा जिसने जीन्स पहनी हुई है उसके बाल लंबे हैं मिंट्रा पोनी है तो मुसलमान नहीं हो सकता, विच इज़ रॉन्ग। उसकी वजह से होता ये है कि हम लोगों ने ज़्यादातर चीज़ों पर जोर दिया है बदले नाम बदलने से क्या होगा। सो आई थिंक ये स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में चलता है, वी करेक्टराइज पीपल, हम लोगों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं उनके अपीयरेंस को देख के, उनकी नाम को देख के, रादर देन कि वो क्या कर रहे हैं और जो क्या कर रहे हैं उससे भी हम बना लेते हैं। उससे हुआ ये कि हमारी सोसाइटी में अर्ली 80s में आप सारे पैदा भी नहीं होंगे तो जो मौलवी लफ्ज़ है ना उसको एक गलत कॉन्टेशन इसलिए मिली कि जितने लोग थे ना, जो अगर मैं एक आदमी हूँ मुझे पता है फलाना बात मौलवी है तो उसकी इज्जत करता था कि यार मैं इसके साथ ट्रेड भी कर लूँ, आप ये मेरे पैसे लेके नहीं भागेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ओवर टाइम हुआ ये कि जो ऐसे लोग थे जो कि अब आपको कैमोफ्लैज करना चाहते थे, जिनका वैसे करेक्टर अच्छा नहीं था और या वैसे वो उतना दीन पे नहीं थे, उन्होंने अपने आप को उस ढाल में लेके आ गए और वो मौलवी बन गए। और फिर हुआ ये कि फिर टाइम हुआ ये कि मौलवी का नाम काट दें। मैं हर एक को कहता हूँ अगर आई एम नॉट मतलब मैं फिर अल्लाह माफ करे गलत बात नहीं करता, लेकिन अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं आप उसको कॉल करें, उसके मोबाइल पर अगर रेंट और नाद लगी आपके पैसे कभी नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो हमने लोगों को सैलोज में बनाया हुआ है, उसमें किसका क्या नाम है, वो क्या प्रैक्टिस करता है, वो उस चीज़ को हम ज़्यादा जोर देते हैं बजाय इसके कि हम अपने आप को दुरुस्त करें। सो मैं आपको बोलूँगा यार आपकी ये टोपी है ना इस तरह थोड़ी टेढ़ी है, ये गलत है, मैं ये नहीं देखूँगा मैंने पहनी नहीं है, आपकी दाढ़ी ऐसी है वो गलत है, ये तो हम दूसरों के ऊपर जो है ना रिलीजन को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, वो उसका नाम हो, वो उसकी हरकत हो, वो उसके नमाज पढ़ने का तरीका हो, उसके वजू करने का तरीका हो। कोई अक्सर में लोग होते हैं कि बैठे हुए नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं कह जा रहे हैं जान लो कौन सी पढ़ने जा रहा है, आपने जरूर उसको एक्ट करना है, यू डोंट हैव टू एक्ट गॉड टू बी ओके स्टैंड भी जा रहा है, अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो हम लोगों को करेक्टर वाइज इतना करते हैं। और ये सवाल आप जो कह रहे हैं मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि जी आप मुसलमान हैं या सबसे उसके बाद अगला सवाल ही होता है कि जी नाम को चेंज कर ले, आई डोंट थिंक तो नाम चेंज करने का फर्क पड़ेगा, अगले चेंज कर अच्छा। यार मैं उस लाइफ से बड़ा ओपन आदमी हूँ, मैं आपको भी बता सकता हूँ, मेरे कपड़े देख लें, मेरी हालत देख लें, चाहे कि नहीं वो भी पढ़ा हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। आई थिंक आपकी जो पर्सनल अपीयरेंस है इससे ज़्यादा आपका करेक्टर मैटर करना चाहिए, आप जो काम करते हैं वो मैटर करना चाहिए, जो आप सोसाइटी के अंदर अगर आप कोई चेंज लेके आ रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट लोगों को नजर आना चाहिए। सो व्हेन पाथवेज वाज स्टार्टेड बैक इन 2003 द ओनली एम वाज टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल कार्स।
और मनी मेकिंग उस टाइम पे कोई गोल नहीं था एंड 2003 से लेके 2021 तक वी वर नॉट इन ग्रीन. सो इट वाज समथिंग विच वाज प्योरली डन आउट ऑफ पैशन. उसमें किसी से कोई पैसे कमाने का मकसद नहीं था. यस एवरी जिसे कहते हैं ना एंटिटी हैज टू बी लॉन्ग टर्म वायबल. तो इट टुक 18 इयर्स फॉर पार्कविल्स टू बिकम प्रॉफिटेबल और कम इन ग्रीन. तो उससे पहले जो काम हो रहा था या उस तक जो हो रहा था, सो द ओनली थिंग कि आपने डिफाइन क्या किया था कि आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, आपने वो क्या करना है. आज भी ये लोग अक्सर मेरे इंस्टाग्राम में वो यूज कर रहा था, हम लोग सवाल पूछते हैं या सुनील पूछते हैं कि मैनेजर है, मैंने कहा कि मैं मैनेजर कहूँगा तब भी जवाब नहीं आएगा, खुद भी कॉल नहीं आएगा. बट आई डोंट बिलीव इन ये जो 160 लोगों ने बनाया होता है. दूसरी चीज, ये जो 20 साल या 21 साल के कैरियर है उसमें मैंने एक चीज बड़ी सीखी है विच ब्रॉट मी क्लोज टू रिलीजन ऑल्सो. कि हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं इधर बहुत ब्राइट लोग होंगे, आपको लगेगा ये मेरी क्लास में टॉपर है तो ये छा जाएगा जिंदगी में, मैं लूजर हूं तो मैं रह जाऊंगा. ऊपर से निजाम सेट हुआ होता है, बस 15 साल बाद आप मिलते तो आपको पता लगता है जो टॉपर आपको नजर आता था वो कहीं नीचे बैठा होता है, जो लूजर नजर आता था वो कहीं आगे होता है. उस पर किसी का कोई कमाल नहीं होता. इस प्योरली बाय लक बाय चांस और ये तबके वाली बात है. आप जो मर्जी करें आप उल्टे लटक गए, जो आपके नसीब में नहीं लिखा हुआ आपको नहीं मिल सकता. मुझे ये लगता है वी आर लकी अगर वी गेट टू रमजान. हमेशा शबान से दुआ करते थे कि अल्लाह हमें रमजान तक ले जाए, तो अगर हम रमजान तक आ गए तो इसका मतलब है कि अल्लाह मियां भी हमें माफ करना चाहता है. वो जो लूट सेल लगी है वो चाहता है कि हमें ले लें. अगेन मैं इनसे बात करता हूँ कि अल्लाह मियां ना मुझे ना आपको जलाने की कोई जरूरत नहीं है, ना अल्लाह को कोई फायदा है मुझे आपको सलाह देने का. जो हम कहते ना कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया कि शायद अल्लाह मियां तो हमें छोड़ना ही नहीं. अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, आप सारे अभी छोटे हैं, अगर आपके फिर औलाद हो ना तो आपको पता लगता है कि आपने बनाई नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि आपने बनाई है बिकॉज यू हैव रिप्रोड्यूस का वर्ड है प्रोड्यूस का नहीं. सो आपने रिप्रोड्यूस किया तब भी आपको इतना प्यार होता है कि वो आगे गिरने लगा तो आप उसको पकड़ लो. तो अल्लाह ने सबको बनाया, अल्लाह ने नहीं गिरने देता. पत्थरों से दूर रहे जो मौलवी आपको कहे कि आपने जन्नत में नहीं जाना उससे ज्यादा दूर है. उसको बताया मैं वहीं पे खड़ा हूँ आपको दूर से पत्थर. A few moments later. So, मैं अपने दोस्तों का वेट करता रहा था, लेकिन मेरे दोस्त घर निकल चुके थे जब उनको मैंने कॉल की, क्योंकि उनकी क्लास जल्दी खत्म हो गई थी. और देखें यहाँ पे बहुत रेयर चांसेस हैं कि रमज़ान के अंदर लोग रुके यहाँ पे. सिर्फ मेरे तरह के कुछ लोग होते हैं जो क्लास के बाद भी यहाँ पे रुकते हैं अपने कामों के लिए, वरना जो भी आते हैं क्लास लेते हैं फ़ौरन निकल जाते हैं. सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, वहाँ पे मेरी एक मीटिंग है सर के साथ, वो मीटिंग करनी है, देन उसके बाद हम भी निकलेंगे. नहीं अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? A few moments later. So, सर के साथ मीटिंग करके मैं फ्री हो चुका हूँ, तो अब मैं निकल रहा हूँ घर को. और रास्ते में अब चल के अफ्तारी की चीज़ें वगैरह भी कुछ लेनी है तो वो पकड़ते हैं, तो फिलहाल अभी निकलते हैं. थैंक यू. ये चीज़ें वगैरह मैंने पकड़ ली हैं. A few moments later. So, फाइनली मैं चीज़ें लेके और यूनिवर्सिटी से घर आ चुका हूँ. और आज आपको पता है रमज़ान चल रहा है, तो थोड़ा टाइम रह गया इफ्तारी में, तो आप चल के थोड़ी रेस्ट वगैरह करते हैं. तो आज का दिन भी बड़ा अच्छा गुजरा है. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए शाना अपनी दुआ में रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.